यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन अवर चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सबके सब बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं आप सभी का फेवरेट गेम ग्रीन रोप फ्रॉग निंजा हीरो। और यहाँ पे आज मेरे साथ शिनचैन, और भाई शिनचैन ना मुझसे नाराज हो गया था और वो मेरी सिटी छोड़ के चला गया था, क्योंकि हमारे बीच में एक फाइट हो गई थी, वो थी हमारे घर को लेकर। क्योंकि यार ये मेरे घर में रहता था और यहाँ पे मेरी इसकी लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने इसको अपने घर से निकाल दिया, जिसके बाद यार मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज हो गया था। अबे यार शिनचैन, अब तो नाराज नहीं है ना भाई, अब तो बता दे। अरे नहीं भैया, मैं आपसे अभी भी नाराज हूँ, क्योंकि आपने अपना वो सीक्रेट हाउस मुझे अब तक नहीं दिखाया, जो कि आप मुझे बोल रहे थे कि मैं तुझे दिखा दूंगा, बट आप ना मुझे कभी भी नहीं दिखाने वाले हो, तो मैं आपसे अभी भी नाराज हूँ। अरे नहीं यार शिनचैन भाई, वो मैं अपना सीक्रेट हाउस किसी को नहीं दिखा सकता, क्योंकि यार वो मेरा सीक्रेट है, यदि मैं उसको दिखा दूंगा तो भाई वो सीक्रेट कैसे रहेगा। तुझे भी पता है कि यार अपने ग्रीन रोफ रोग निंजा हीरो और रोफ रोग निंजा हीरो में कितने सारे गैंगस्टर मेरे पीछे पड़े, वो मुझे मारना चाहते, यदि उनको मेरे उस घर के बारे में बिल्कुल भी पता चल गया तो वो मुझे भी मार देंगे और साथ में तुझे भी मार देंगे। तो यार मैं तुझे ना वो घर बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता भाई, प्लीज यार मुझे माफ कर देना। अरे नहीं भैया, यदि तुम मुझे अपना वो सीक्रेट हाउस नहीं दिखाओगे तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा, और मैं तुमसे हमेशा नाराज हूंगा, और अभी भी मैं यहाँ से वापस अपने घर पे चला जाऊंगा और मैं फिर तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। अबे यार भाई शिनचैन, ये तू कैसी बच्चों जैसी बात करता भाई, तू बच्चा नहीं रहा, अब तू काफी बड़ा हो गया, तो यार तू ऐसी बात मत कर यार, प्लीज भाई तेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि यार वो मेरा सीक्रेट हाउस है यार। अरे यार भैया, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा आपके उस सीक्रेट घर के बारे में, तो चलो यार मुझे लेके चलो ना भैया, प्लीज प्लीज। अरे चलो यार शिनचैन भाई, तू यार तू इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो चल मैं तेरे को अपना सीक्रेट हाउस दिखा देता हूँ, साथ ही मैं गाइस यार मैं आप सभी को भी अपना सीक्रेट हाउस दिखाने वाला हूँ। तो यदि यार आपने अभी भी यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। और क्या यार मुझे अपने पर्सनल लाइफ के व्लॉग अपलोड करने चाहिए या फिर नहीं, तो यार गाइस यार कमेंट में जरूर से बता देना। तो चलिए अब मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ वो मेरा सीक्रेट हाउस, जिसके बारे में यार मैंने अभी तक यार शिनचैन को भी नहीं बताया था, क्योंकि यार शिनचैन ना भाई भूल जाता है कि यार मैंने उसको इस बारे में बताया था कि यार ये मेरा सीक्रेट हाउस है, क्योंकि यार वो जिस भी बंदे से मिलेगा, कोई भी पूछ ले उससे यार रोफ रोग निंजा हीरो का सीक्रेट घर कहाँ पे है, तो यार ये वो बता देता है। तो गाइस यार ये रहा मेरा वो सीक्रेट हाउस, जिसके बारे में यार मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, और यहाँ पे भाई मैं भेस बदल के रहता हूँ, तो यार इन लोगों को भी नहीं पता है कि यार ये ग्रीन रोफ रोग निंजा हीरो का घर है। बट यार आज ये इतने सारे लोग मेरे घर के अंदर कर क्या रहे, अबे यार यहाँ पे क्या मचा रखा है तुम लोगों ने, यार ये कोई पार्क थोड़ी ना है कि तुम इसके अंदर घुस के कभी भी कुछ भी कर रहे हो। तो यार यहाँ पे ये घूम रहे अपने स्केट बोर्ड से, बट यार इतने ज़्यादा लोग कैसे आ सकते हैं, क्या करूँ यार यहाँ पे, मैं इन सभी को मार दूँ। बट नहीं यार गाइस, यार ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यार मैंने इनके ऊपर गोली चलाई तो यार यहाँ पे पुलिस आ जाएगी, और पुलिस यदि मुझे पकड़ लेगी तो उन सभी को पता चल जाएगा कि यार ये ग्रीन रोप रोग निंजा हीरो का घर है, तो यार हम करें क्या। तो गाइस यार यहाँ पे चलो मैं आप सभी को सबसे पहले मैं अपना घर दिखा देता हूँ। तो गाइस यार ये है वो मेरा सीक्रेट हाउस, जिसके अंदर मैं अपना बेस बदल के, मतलब कि अपने मतलब कि आइडेंटिटी छुपा के यार यहाँ पे रहता हूँ, किसी को भी यार इस घर के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे यार मैं बिल्कुल गरीब रह के इस घर के अंदर रहता हूँ, क्योंकि यार तुम देख सकते हो कितना छोटा सा घर है, इसी के साथ में इसके पास एक छोटा सा गराज भी है जहाँ पे मैं अपनी साइकिल रखता हूँ, क्योंकि यार मेरे पास यहाँ पे एक भी कार नहीं है, क्योंकि यार यदि मेरे पास कार होगी तो यार इन सभी को लगेगा कि यार ये कोई अमीर इंसान है, तो इसलिए मैं ना अपने पास सिर्फ बाइक साइकिल रखता हूँ। तो गाइस यार अब ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि यार ये सभी के सभी लोग यार इस घर के अंदर बढ़ रहे हैं, तो यार यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं इन पुलिस वालों को मार देता हूँ। अबे भाई टकला, तू कैसे बच रहा है मुझसे, तो चलो यार यहाँ गाइस यार इन सभी टकलों के सबसे पहले मार देता हूं। भाई यार अब इतनी देर में जाके यार इसके ऊपर अटैक हो, बट यार उसने तो उल्टा मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया, और यहाँ पे यार कितने ज्यादा लोग आ गए। तो चलो इन्हें अभी मैं अपनी पाद वाली खुशबू सुंघाता हूँ और यहाँ पे इनको बेहोश कर देता हूँ। काफी यार मजा आता है इस एबिलिटी को यूज करने में, क्योंकि यार ये है इतनी खतरनाक। और यहाँ पे भाई काफी ज्यादा बंदे मेरे ऊपर अटैक कर रही यार, ये तो तीन चार तो पुलिस वाले बंदे हैं, पांच बंदे पुलिस वाले हैं और एक माइकल और एक लड़की, भाई ये सारे के सारे मिलकर मुझे मार की ट्राई करे। बट यार यहाँ पे मैं इनसे मरने वाला नहीं हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि यार यहाँ पे भाई मैं कोई गन यूज नहीं कर सकता। तो यार अब मैं क्या करता हूँ, इनके ऊपर आरपीजी चला देता हूँ। तो गाइस यार जल्दी से मैं इनके ऊपर आरपीजी चला देता हूँ, और भाई मेरी हेल्थ बिल्कुल खत्म हो गई, और यहाँ पे किसी ने यार मेरे को गोली मार दी, और यहाँ पे तुम देखो कितनी ज्यादा हेल्थ है, चार पांच हेल्थ थी, यदि इनमें से मुझे एक भी मिल जाती है ना तो गाइस यार यहाँ पे मेरा काम चल जाता। बट यार क्या हुआ कि यार वहाँ पे किसी ने धोखे से मेरे पीछे से गोली चला दी और वहाँ पे मैं मर गया। बट यार
इन सभी को यार मैं छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मैं यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि मेरे सेकंड चैनल ओपी गेमर्स पे मैं माइनक्राफ्ट की वीडियो आपसे रेगुलर अपलोड करने वाला हूँ। तो उस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, लिंक इन द